टॉप 4 बेस्ट 5G कैमरा स्मार्टफोन्स अंडर 30,000 रुपीस। दोस्तों, क्या आप भी आज के समय पर 5G के साथ साथ एक अच्छा सा कैमरा सेंट्रिक फोन ढूंढ रहे हैं? तो गाइज, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लेकर आ चुके हैं अलग अलग कैटेगरी के 4 स्मार्टफोन, जहां पर आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, एक अच्छा लुक मिल जाएगा, अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी होगी, लंबी चलने वाली बैटरी और साथ ही साथ अच्छे और तगड़े कैमरास के साथ में एक अच्छा 5G स्मार्टफोन। सो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस लिस्ट को। सबसे पहले हम बात करते हैं उन यूजर्स की जिन्हें सेल्फी कैमरा ठीक ठाक चलेगा लेकिन बैक कैमरा अच्छा चाहिए। सो आप यहां पर देख सकते हैं नोकिया का G42 5G। बात करें इस फोन की, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रांग दी गई है और अच्छी बात यह है कि सिर्फ 8.6 मिलीमीटर की थिकनेस और 193 ग्राम्स के साथ में आता है। सो फोन काफी स्लीक और लाइट वेट है, और इसी के साथ में आपको यहाँ पर हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। सो बिल्ड क्वालिटी में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.56 इंचेस की एक HD+ वाली IPS LCD पैनल, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, 560 नीट्स तक की ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की भी कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ 90Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की डस्ट सैम्पलिंग रेट आपको मिलती है। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी में आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। रही बात अब यहाँ पर फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा लगा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर मिलता है। फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा डे लाइट में काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं, डे लाइट में फोटोज में कोई शिकायत नहीं आती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर नाइट मोड भी दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो बैक कैमरा से आपको यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30fps। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 8 MB बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480+ का 5G चिपसेट, जिसके अंदर लगा हुआ है एड्रेनो 619 का GPU, जो कि इस प्राइस पॉइंट में आपको काफी अच्छी गेमिंग भी करा देता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अंतुतु पर लगभग 3,80,000 के आसपास स्कोर करता है। साथ ही इस फोन के अंदर आपको LPDDR4SC रैम और eMMC 5.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। चलिए फिर अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिलती है। फोन यहाँ पर 20W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट आपको मिल जाती है। वैसे दोस्तों, फोन का बैकअप काफी अच्छा है। नॉर्मल यूजिंग पर आपको ये स्मार्टफोन 1 से 1.5 दिन का बैकअप बहुत आराम से देता है। चलिए फिर अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स जिसकी ऑडियो क्वालिटी काफी लाउड है, तो ये अच्छी बात है। और रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर, जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के कोई भी ब्लॉटवेयर्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। और तो और अच्छी बात यह है कि 2 साल के आपको यहाँ पर मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे, तो ये भी अच्छी बात है। और रही बात 5G बैंड्स की गाइस, तो ये स्मार्टफोन लगभग सारे ही 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। सो आपको यहाँ पर इसमें भी कोई इशू नहीं आने वाले। सो अगर आपको यहाँ पर एक गुड डिज़ाइन, अच्छा कैमरा, लंबी चलने वाली बैटरी और अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह चाहिए, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6GB तक की आपको यहाँ पर फिजिकल प्लस 5GB तक की आपको यहाँ पर एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर 128GB की स्टोरेज मिल जाएगी, और इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 11,999 रुपये। बट अभी आपको, चलिए बात करते हैं उन यूजर्स की जिन्हें दोस्तों यहाँ पर अच्छा कैमरा तो चाहिए, साथ ही साथ उन्हें सेल्फी भी अच्छी चाहिए। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं वीवो की तरफ से आने वाला वीवो का T2X5G। फोन भी लुक के मामले में काफ़ी कमाल का है। ये फोन भी पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, पर बिल्ड और डिज़ाइन के मामले में आपको यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं आती। वैसे ये फोन भी 8.1 मिलीमीटर की थिकनेस और 184 ग्राम्स के साथ में आता है, सो लाइट वेट और स्लिम भी है। चलिए बात करते हैं अब डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.58 इंचेस की फुल HD+ वाली IPS LCD वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले, साथ ही साथ पैंडा ग्लास का आपको यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है। 650 निट्स की ब्राइटनेस है, इंडोर और आउटडोर में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है, और साथ ही आपको यहाँ पर 60Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। कैमरास की बात करें, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर दिया गया है। सेल्फी की बात करें, तो 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी सेंसर मिल जाता है, और यहाँ पर भी आपको काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। वैसे अच्छी बात है कि डे लाइट में और लो लाइट दोनों में ये स्मार्टफोन काफी अच्छा परफॉर्म भी कर लेता है।
वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 FPS। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप यहाँ पर परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर मिलता है लेटेस्ट 7nm बेस्ड MediaTek का Dimensity 6020 का चिपसेट, जहाँ पर आपको आम वाली G57MC2 का GPU दिया गया है और ये स्मार्टफोन ऑन-2 पर लगभग 3 से 3.25 लाख के आसपास स्कोर करता है। इसका मतलब आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, वैसे आप यहाँ पर काफ़ी अच्छी गेमिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है, सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे अगर पावर की बात करें तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी और 18W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट आपको मिल जाती है। वहीं पर कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन और ये स्मार्टफोन भी लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर आता है, तो ये अच्छी बात है। रही बात 5G बैंड्स की गाइस, तो अगर पॉसिबली दोनों 5G बैंड का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है तो ये अच्छी बात है। और बात कर ले प्राइसिंग की तो 4 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 12,999 रुपए, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से वीवो की तरफ से आने वाला वन ऑफ द बेस्ट फोन है, तो आप चाहें तो इसे कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा लिस्ट का जो अगला फोन है ये एक नॉन चाइनीज फोन है और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे कैमराज और अच्छे खासे 5G बैंड्स भी मिलते हैं। ये फोन यहाँ पर सैमसंग का गैलेक्सी F14 5G प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है, पर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर बहुत अच्छे दिए गए। डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली PLS LCD पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, अप टू 500 nits तक की ब्राइटनेस, 90Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिसेंट देखने को मिलेगी। बात करते हैं आप यहाँ पर कैमरास की तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिल जाते हैं, मेन कैमरा 50MP का जो कि F1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2MP का आपको यहाँ पर एक मैक्रो शूटर दिया गया है। सेल्फी की बात करें तो आपको मिलता है 13MP का सेल्फी स्नैपर, तो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर डिसेंट है। आउटपुट की बात करें भाई तो डे लाइट में आपको यहाँ पर फोटोज में कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 FPS। चलिए परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो इस फोन के अंदर आपको 5nm बेस Exynos का 1330 का चिपसेट देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो चिपसेट है ये कॉम्पिटिटर है Qualcomm Snapdragon 695 का, जो कि आपको यहाँ पर ओवरऑल CPU परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है। हालांकि गेमिंग आपको यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं करा सकता, लेकिन आपको डेली जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी निकाल कर देता है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 वाला स्टोरेज आपको यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो इस फोन के बैक साइड में 6000mAh का बड़ा सा बैटरी आपको मिलता है और साथ ही साथ ये फोन 25W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। हालांकि दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, साथ ही साथ चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है, तो ओवरऑल बैटरी तो अच्छी है लेकिन चार्जर बॉक्स के अंदर होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो यहाँ पर मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और तो और ये फोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर, लेकिन यहाँ पर आपको कोर एडिशन देखने को मिलता है, पर ओवरऑल सॉफ्टवेयर से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ गाइस, ये जो फोन है ये आपको लगभग सभी 5G बैंड के सपोर्ट के साथ में मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। चलो यहाँ पर 4 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ते हैं लगभग 14,500 रुपये, पर अभी ये स्मार्टफोन आपको मिल रहा है 13,000 रुपये की प्राइस पर। तो इस पॉइंट पर ये स्मार्टफोन डेफिनेटली काफ़ी अच्छा ऑप्शन है सैमसंग की तरफ से, सो आप चाहें तो इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। और दोस्तों लिस्ट का जो अगला फोन है ये यहाँ पर रियलमी की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च रियलमी का नार्जो 60X 5G। बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर बहुत अच्छे दिए गए हैं। बैक साइड में आपको यहाँ पर ग्लिटरी डिज़ाइन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही साथ दोस्तों ये फोन 7.9mm की थिकनेस और 190g के साथ में आता है, यानी काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी स्लिम भी है। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.72 इंचेस की एक बड़ी सी फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, साथ ही आपको यहाँ पर 680 nits तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, 120Hz तक की हाई रिफ्रेश रेट और 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट भी दी गई है। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिल जाएंगे, मेन कैमरा लगा हुआ है 50MP का जो कि F1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2MP का आपको F2.4 का एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 8MP का सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर डे लाइट में फोटोज़ भी काफ़ी कमाल की मिलती हैं। वैसे फोन का नाइट मोड भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। वीडियो की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, सो कैमरा से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के प्रोसेसर की।
तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको एक लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिल जाता है, 6nm बेस MediaTek Dimensity 6100 प्लस का चिपसेट। अच्छी बात यह है दोस्तों कि यह प्रोसेसर रियल टाइम में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 400,000 के आसपास अंतत स्कोर भी निकाल कर देता है। वैसे गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर आम मान लीजिए 57MC2 का 2 कोर का GPU मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पर हाई सेटिंग पर काफ़ी अच्छी गेमिंग कराने में भी कैपेबल है। साथ ही साथ फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और UFS 2.1 का स्टोरेज भी दिया गया है। सो ओवरऑल दोस्तों प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिलती है। फोन 33W चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको दी गई है। वैसे अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें तो आपको यहाँ पर इजीली एक दिन का बैकअप भी देखने को मिल जाता है, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए अब कुछ एडवांस फीचर्स की बात कर लें, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं, लेकिन ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी और लाउड है। वैसे कार्ड स्लॉट की बात करें तो आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ दोस्तों ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर आपको मिलेगा, जहाँ पर आपको मिलता है रियलमी का UI 4.0। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारे प्री इंस्टॉल ब्लॉटवेयर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि आप उन्हें निकाल तो सकते हैं, लेकिन पहले से आते हैं तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 9 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो अगर आप रियलमी की तरफ से कम प्राइस पर एक अच्छा 5G स्मार्टफोन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आप डेफिनेटली इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4GB RAM 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे ₹12,999। सो आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन देख सकते हैं। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।